पूजा। अरे मोनिका जी, आप आइए, बैठिए। अचानक कुछ काम था मुझसे? वो मैं सुधाकर भाई साहब के घर गई थी, कुछ काम था। वहां ताला बंद देखा तो तुम्हारे पास आ गई। कहीं बाहर गए हैं तुम्हारे भैया? जी भैया, भाभी को पहुंचाने उनके ससुराल गए हैं। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या भैया से? हाँ, दरअसल मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। वो सुधाकर भाई साहब ने कहा था कि मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़े तो उनसे ले लूंगी, इसीलिए। ओ, पर भैया तो 4-5 दिन बाद आएंगे। ओह, अब क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे? कितने पैसों की जरूरत थी? 10,000 रुपयों की। पता नहीं कहां से व्यवस्था होगी, कैसे होगी। सुधाकर भाई साहब का इंतजार भी नहीं कर सकती, पैसे आज ही चाहिए था। देखती हूँ क्या हो सकता है, चलती हूँ। रुकिए, मैं पैसे दे देती हूँ, आप मुझे बाद में लौटा दीजिएगा। पर संकोच मत कीजिए मोनिका बहन, आप समझिए कि ये पैसे भैया दे रहे हैं, मैं पैसे लेकर आ रही हूँ। दीदी ये पैसे लीजिए। पूजा, ये किसका फोटो है? मेरी सास का, यानी रूपा देवी का। क्या हुआ, कोई बात है क्या? अरे नहीं, वो क्या है कि मेरे पास मेरे भैया का एक पुराना फोटो है जिसमें वो ये रूपा देवी और एक आदमी के साथ में है, वही याद आ गया। शायद तुम्हारे ससुर जी होंगे। अभी आप कह रहे थे कि आपके पास एक फोटो है जिसमें मेरी सास, आपके भैया और एक आदमी के साथ है। हाँ दीदी, मुझे वो फोटो चाहिए, फौरन चाहिए। फोटो चाहिए, पर क्यों, क्या खास बात है इस फोटो में? दीदी, वो फोटो में जो आदमी है वो इनके पिता हो सकते हैं। पिता हो सकते हैं, मतलब वो दीदी मुझे वो फोटो चाहिए। पूजा क्या बात है, बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पूजा तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो,
तुम्हारे मन में अगर कोई बात है तो तुम बोल दो। दीदी, मैं जो बताने जा रही हूँ आप वादा कीजिए कि आप किसी से नहीं कहेंगी। नहीं कहूंगी, बोलो। वो बात यह है कि ये मेरे पति रूपा जी के बेटे नहीं हैं, वो किसी और के बेटे हैं। जब से इन्हें ये बात मालूम हुई है तब से अपनी असली माँ बाप को ढूंढने में ही लगे हैं। पर सम्राट को ये पता कब चला? मेरे विवाह के बाद मेरी सास मेरे और इनके बीच दूरी पैदा करने लगी और जब इन्होंने इनका विरोध किया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। बदला लेने की आग आपके अंदर इतनी भड़क चुकी है कि आपको ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि आपके अपने बेटे का घर भी झुलस रहा है। बस बहुत हो गया ये सब। बेटा बेटा बेटा, कौन बेटा, कैसा बेटा? तुम नहीं हो मेरे बेटे। माँ, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे अपना बेटा नहीं मान रही, मत मानिए। पर आपको ये बदला लेने का जुनून खत्म करना होगा। मैं ये सब और नहीं होने दूंगा। तुम शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हो ना, पर ये सच है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। कौन हूँ मैं? किसका बेटा हूँ? क्या चैताली भी आपकी बेटी नहीं है? वो मेरी बेटी है। फिर मैं आपका बेटा क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ माँ? चैताली तो मेरी बहन है ना, बोलिए ना माँ, है ना? चैताली तुम्हारी बहन है क्योंकि तुम दोनों का बाप एक है, माँ नहीं। तुम किसकी औलाद हो? तुम्हारी माँ कौन है? ये मुझसे नहीं, जाकर अपने बाप से पूछो। मेरी सास ने इनके पिताजी और माँ के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो लोग कहाँ हैं। उसी दिन से ये उनकी खोज में लगे हैं। यानी कि रूपा के पति जो रूपा को छोड़कर चले गए वही सम्राट के पिता है? हाँ। सम्राट है कहाँ? कहाँ ढूंढने गया है उन लोगों को? ये पटना में है। एक बार आपके भैया मालिक से मिलने पटना जाना है कह रहे थे, तो ये पटना में खोजबीन कर रहे हैं। आपके भैया रहते तो शायद इनके पिताजी के बारे में कुछ बता पाते। अब समझ में आया कि भैया सम्राट से क्यों मिलने की जिद कर रहे थे। वो जरूर सम्राट के बाबूजी के बारे में ही कुछ बताना चाहते होंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि जिस दिन सम्राट आया उसी दिन भैया। पूजा, मैं फोटो लेकर कल फिर आऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सम्राट को अपने माँ बाबूजी के बारे में जल्दी पता चल जाए। जी दीदी। अब मैं चलती हूँ। हे माँ दुर्गा, अब जल्दी से जल्दी इनसे मेरी मुलाकात करा दीजिए, करा दीजिए माँ। माँ, ये सोनिया जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई हुई है क्या? हाँ बेटा, वो शहर गई है, उसे कुछ काम था। लेकिन बहुत देर हो गई, अब तक तो आ जानी चाहिए थी।
मैं जाकर बाहर देखूं क्या? अकेली लड़की है, कहीं रास्ता वगैरह भूल गई तो? अरे सोनिया बेटी, कहाँ रह गई थी? कितनी रात हो गई, सिर्फ बैंक से पैसे ही तो निकाल लेते ना। माँ जी, वो मुझे कुछ और भी काम था, वही निपटाते निपटाते देरी हो गई। दीपक तो एकदम घबरा गया था, तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था। खाना लगा दो बेटी। हाँ, पहले ये पैसे रख लीजिए, पूरे 10,000 रुपए हैं। अब आप आराम से कपड़े खरीदिए। माँ ये पैसे? बेटा, सोनिया जी बहुत बड़ी दिल वाली है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, सबके लिए कपड़े खरीदने के लिए सोच रही थी, इसीलिए मैंने सोनिया बेटी से कुछ पैसे उधार मांगे थे। और बेटा, इनका दिल तो देखो, बस कहने भर की देरी थी, फौरन पैसे देने के लिए तैयार हो गई। और तो और, सोनिया जी ये पैसे वापस भी नहीं लेंगी। माँ जी, इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं आप? मैं तो यहाँ पर सबको अपना ही समझती हूँ, इतना सा कर दिया तो क्या हो गया? सोनिया जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हम लोगों को अपना मानती हैं। बेटा, सोनिया जी के लिए जरा भागकर बाजार से मिठाई तो ले आओ। हाँ माँ। अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। क्यों रहने दूँ? मेरी बेटी को मिठाई पसंद है तो क्यों नहीं खिलाऊंगी? जाओ लेकर आओ। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ जी। ये जाली नोट पहुंच गए अपनी जगह पर। अपनी जगह पर। अब आएगा खेल का मजा। पूजा, अब तुम सम्राट को जल्दी से यहां बुलाकर ये फोटो दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ये आदमी ही सम्राट के बाबूजी होंगे। पर मैं उन्हें बुलाऊं कैसे? वो तो अपने पिताजी को ढूंढने में इतने मगन हैं कि ना तो मेरा फोन उठा रहे हैं और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं।
कितनी बार कोशिश किया, दशहरा में भी फोन नहीं किए। पूजा, तुम उदास मत हो। सम्राट जरूर अपने पिताजी को ढूंढने में परेशान होगा, नहीं तो वो फोन जरूर उठा था। अब जब उसके पिताजी की पहचान हो सकती है तो उसे जल्दी ही बुलाना पड़ेगा। मैं फिर से कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही अब उनकी परेशानी दूर होने जा रही है। अब इन्हें इनकी पहचान वापस मिल जाएगी, जो पहचान